भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI के समापन समारोह में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कौन से सब्जेक्ट पे फिल्म करेंगे उसका खुलासा किया है। अब तक उन्होंने सामाजिक संदेश देते हुए फिल्में की है। अक्षय कुमार ने पहली बार सामाजिक संदेश वाले फिल्मों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उन फिल्मों को करना बहुत महत्वपूर्ण है जो लोगों से बात करते हैं और उन्हें व्यावसायिक तरीके से संदेश देते हैं। जब मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा की तो हमने व्यावसायिक रूप से दर्शकों के प्रत्येक सदस्यों को एक संदेश भेजा था कि यह प्रत्येक घर में शौचालय के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इसे एक कॉमिक तरीके से दिखाया। हमने एक प्रेम कहानी भी दिखाई है। क्योंकि मैं उद्योग में हूँ इसलिए मैं लोगों को कुछ नया दिखाना चाहता हूँ, अक्षय ने कहा। जब उन्हें आगे पूछा गया कि कॉमेडी, सामाजिक और रोमांटिक फिल्में करने के बाद वह एक ऐसी शैली है जिसे वह निकट भविष्य में दिखता है। इसके लिए अभिनेता ने कहा कि वह एक हॉरर कॉमेडी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे डरावनी कॉमेडी पसंद है। मैं भूल भुलैया की तरह एक फिल्म करना चाहता हूँ। मैं इस तरह एक फिल्म में काम करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश कर रहा हूँ। अक्षय को जल्द ही अपने समकालीन अजय देवगन की तरह एक हॉरर कॉमेडी कर देखना बहुत दिलचस्प होगा।